चारों तरफ ऐसे लगता है जैसे हम किसी जंगल में पहुंच गए हों। क्या ये जंगल है? ये खूबसूरत इमारतें, इनका क्या दोष है? इनका दोष तो देखिए, बरसों से अपनी खूबसूरती के लिए चिल्ला रही हैं, रहम की भीख मांग रही हैं कि मैं आज भी वाकई में वही खूबसूरती रखती हूँ। इन पेड़ पौधों को पार करते हुए किसी भी तरह हम किले के ऊपर तो पहुँच जाएंगे, लेकिन इसकी जो जंगल है और इसकी जो खूबसूरती है हम वापस नहीं दे सकती। लेकिन हम कोशिश करेंगे और सरकार से अपील भी करेंगे कि इसकी देखरेख की जाए। यहाँ से देखिए इसका सुंदर दृश्य, अगर आज इसमें जंगल ना होता, इसमें टूट फूट ना हुई होती, इसका देखरेख होता तो क्या सुंदर दृश्य दिखता। दरअसल जब पृथ्वीराज चौहान की सेना इस किले को चारों तरफ से घेर लेती है, लगभग 5-5 किलो के भाले और लगभग 30 फुट से भी अधिक ऊंचा गेट, दोनों तरफ इसी तरह का गेट बना हुआ है। अलखान से इतना भारी भयंकर युद्ध हुआ कि यहाँ पर खून की नदियां बह गई थी। कई दिनों तक युद्ध चला, देखरेख के अभाव में इसका आज हाल हो चुका है। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये देखिए वीरान पड़ा ये किला। वीरान पड़ा ये किला अपने पुराने दिनों के लिए चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर रहम की दुहाई मांग रहा है कि कोई मुझे बचा लो, मैं गुजरा हुआ कल हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। और दरअसल आज जिस सफर में हम आपको जो ऐतिहासिक इमारत दिखाने वाले हैं, आप YouTube के इतिहास में ये वीडियो पहला होने वाला है। आपने ये वीडियो कभी नहीं देखा होगा क्योंकि बहुत ही मशक्कत करने के बाद हम इस किले पर पहुंचे हैं। आपने मलखान का नाम तो सुना ही होगा, सिरसागढ़ के राजा मलखान, आला उदल के भाई मलखान, जिनको कौन नहीं जानता था, जिनके नाम से मौत भी कांपती थी। दरअसल आज हम उन्हीं के किले पर पहुंच चुके हैं, जो लगभग 10 से 11वीं शताब्दी में उन्होंने इस किले पर राज किया और उसके बाद कई राजाओं ने यहाँ पर राज किया। इस किले को देखिए, वीरान पड़ा सुनसान ये किला चारों तरफ से एक खंडर में तब्दील होने वाला है। इसके अंदर कोई भी देखरेख नहीं हो पा रही है, इसलिए ये किला टूटता हुआ जा रहा है। लेकिन इसमें किले में आज भी ऐसे ऐसे रहस्य और उस समय की वास्तुकला बनावट काफ़ी कुछ हमें देखने को मिलेगा। आप मलखान के नाम से ही समझ सकते हो कि किस वीर योद्धा की हम बात कर रहे हैं, जिसके नाम से पूरा दिल्ली कांपा करता था, बावनगढ़ के राजा उसके नाम से कांपा करते थे। और इसी किले के लिए पृथ्वीराज चौहान से 9 लाख सेना से लगभग 9 दिन युद्ध हुआ। तो आइए हम इसके अंदर चलते हैं। ये देखिए, सर्वप्रथम आप उस समय के गेट को देखिए, उस समय की बनावट ही आप कुछ और अलग होती है। ये देखिए लगभग 5-5 किलो के भाले और लगभग 30 फुट से भी अधिक ऊंचा गेट, दोनों तरफ इसी तरह का गेट बना हुआ है। और ये भाले उस समय इसलिए लगाए जाते थे ताकि जब राजा कोई भी इस पर चढ़ाई करे और हाथी से इसको तोड़ना चाहे तो तोड़ ना सके। इसका जो गेट है लगभग 1000 वर्षों से आज भी ज्यों का त्यों मजबूत खड़ा है, इसमें कोई भी टूट फूट नहीं हुई है। लोहा है जो आज भी बिल्कुल अपनी ताकत लिए खड़ा है। इसको हिलाना भी हमारे बस में नहीं है क्योंकि लगभग इसका ये वजन जो होगा 10 क्विंटल से भी अधिक, एक किले इस जो इसका एक गेट है 10 क्विंटल से भी अधिक इसका वजन होगा और ज़्यादा भी हो सकता है। बताया जाता है कि राजा महाराजाओं का यहाँ पर राज छूटने के बाद यहाँ पर इन गेटों को किसी ने नहीं लगाया, क्योंकि एक दो व्यक्ति इन गेटों को लगा नहीं सकती। इसकी ऊंचाई देखिए, दरवाजे की बनावट देखिए किस तरह की इसकी बनावट है। दोनों तरफ आप देखेंगे तो सैनिकों के बैठने के लिए जगह बनी हुई है, यहाँ पर सैनिक बैठकर पहरा दिया करते थे। दूसरी बात, ये वही गेट है जिसमें मलखान की पत्नी गजमोतिन ने अजगर गांठ लगाई थी, यानी अजगर ताले लगाए थे। जब अजगर ताले लगा दिए गए तो पृथ्वीराज की पूरी सेना, स्वयं पृथ्वीराज बार बार यहाँ पर आकर इन गेटों को तोड़ने का, खोलने का प्रयास करते रहे, लेकिन खोल नहीं पाए क्योंकि ये गेट सिर्फ तभी खुलता जब उदल आते। अजगर ताला इनमें लगाया गया था, उसके बाद ये गेट एक बार खुले तो फिर लगे ही नहीं। इसके बाद यहाँ पर बुंदेलो राजाओं ने भी राज किया, कई राजाओं ने राज किया, लेकिन आज दरअसल यहाँ पर जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनके द्वारा हमें पता चला कि यहाँ पर मलखान जो सिरसागढ़ कहलाता था उन्होंने भी राज किया है। तो आइए इस किले को और अधिक देखते हैं हम। ये देखिए, वहाँ पर भी सैनिक बैठा करते थे, यहाँ पर भी सैनिक बैठा करते थे। दोनों तरफ सैनिकों के बैठने की एक बहुत ही बड़ी व्यवस्था की गई थी ताकि
कैसे भी करके इस किले पर कोई भी शत्रु जीत ना पाए, चढ़ ना पाए, किसी भी तरह से इस किले को नुकसान ना पहुंचा पाए। जैसे ही हम इसके आंगन में पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि ये किला वाकई में बहुत बड़ी हस्ती रखता है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा किला नहीं है। लगभग इस किले को देखने से तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें उस समय लाखों का साम्राज्य रहा होगा। ये देखिए, यहाँ पर ये वीरान पड़ी सुनसान दीवारें, मजबूत इमारतें, आप देख सकती हो उस समय की अपनी सुंदरता को आज भी बरकरार रखे हुए हैं। ये चीख चीख कर कह रही हैं कि मैं आज भी जिंदा हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत है तो थोड़ी देखरेख की। देखरेख के अभाव में इसका आज ये हाल हो चुका है। यहाँ पर देखिए, दरवाजे के ऊपर मेहराब वाले दरवाजे दिखाई दे रहे, जहाँ पर सैनिक बैठा करते थे, और भी कुछ बजाय रही होगी जिसके लिए कमरे बनाए गए थे। चारों तरफ आपको इसी तरह के आलीशान कमरे दिखाई देंगे। अब आइए, अब आगे आइए। बताया तो यहाँ तक जाता है कि जब इस किले पर पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया, तब मलखान से इतना भारी भयंकर युद्ध हुआ कि यहाँ पर खून की नदियाँ बह गई थी। कई दिनों तक युद्ध चला, लेकिन इस किले को पृथ्वीराज जीत ना पाए। हालांकि मलखान हार गए थे युद्ध, लेकिन उसके बाद भी ये किला पृथ्वीराज के हाथ में नहीं गया। उसके बाद 16वीं शताब्दी में यहाँ पर बुंदेल राजाओं ने भी राज किया, लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे तो मलखान सिंह की। मलखान सिंह कौन है ये आप बखूबी जानते हो। मलखान सिंह वही शख्स हैं जिससे बावनगढ़ कांपा करते थे, जिसका लोहा पूरा दुनिया मानदा करता था, जिसके एक बार चिल्लाने भर से बावनगढ़ के राजा उसके पास आ जाया करते थे। कोई भी उससे दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। दरअसल ये जो मलखान है ये आला उदल का भाई है। तो इस किले को हम बखूबी उस समय की यादें जुड़ी हुई हैं, जो कुछ भी इसमें है वो हम आज देखने की कोशिश कर रहे हैं। शाम का समय हो चुका है, इसीलिए जल्दबाजी करते हुए हम थोड़ा थोड़ा देखकर सारी चीज़ों को विजिट करते हैं। तो आइए हमारे साथ। इस तरफ देखिए, ये टूटी हुई दीवारें, ये मेहराब वाले दरवाजे, उस समय इनकी क्या खूबसूरती रही होगी आप अंदाजा लगा सकती हो। ऐसा नहीं है, एक समय ऐसा रहा होगा जब इसमें चारों तरफ जगमगाती रोशनी रही होगी, चारों तरफ हंसने खेलने की आवाजें, सैनिकों की तलवारों की आवाजें और शंखनाद की आवाजें आया करती होंगी, क्योंकि मंदिर भी है। तो दरअसल ऐसा हुआ करता होगा कि उस समय भी राजा दोनों समय पूजा अर्चना किया करते होंगे, क्योंकि कोई भी राजा हो हर एक किले में आपको मंदिर देखने को मिलेगा। लेकिन वर्तमान में इसमें कोई भी आने से डरता है, इसमें इतने भारी रहस्य छुपे हुए हैं, लोग डरते हैं। दूसरा, इसमें आने के लिए जगह नहीं है, कहाँ से आप आओगे, चारों तरफ तो ये जंगल में तब्दील हो चुका है। लेकिन इन इमारतों को देखिए, इमारतें कुछ ऐसी हैं जिन्हें देखकर आज भी लगता है कि जैसे कुछ नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर समय समय राजा बदलते रहे और सबने अपना अपना निर्माण करवाया। ऐसा नहीं है कि ये उसी समय इस प्रकार का रहा होगा, कुछ निर्माण जो भी राजा हुए उन्होंने अपने करवाए हैं। यहाँ पर देखिए, हम ऊपर जाने में भी यहाँ पर संकोच कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी घना जंगल है। लेकिन आपके लिए हम जोखिम उठाते हुए इसके अंदर जाएंगे। आज हम देखेंगे कि आखिर हजारों वर्ष पुरानी यादें कैसे दिखती हैं, क्योंकि हमने पूरा YouTube खंगाल डाला, लेकिन कहीं भी हमें मलखान सिंह का किला नहीं दिखा। आज हम इस मलखान सिंह के किले को पूरा विजिट करेंगे। ये देखिए, यहाँ से किला एक नया मोड़ लेता है। दरअसल यहाँ से रानियों का आरंभ होता है। यहाँ पर बताया जाता है कि ये देखिए, उस किले को छोड़कर ये इसका एक दूसरा गेट आया है, दूसरा दरवाजा आया है। दोनों तरफ सैनिक बैठे रहा करते होंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये जो नीचे किला है ये सैनिकों, मंत्रियों और सेनापतियों के लिए होगा, लेकिन ये राजा का खास महल होगा, क्योंकि इसकी बनावट वाकई में बहुत खूबसूरत है। आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। दोनों तरफ यहाँ पर सैनिक बैठा करते थे, यहाँ पर एक छोटा सा दरवाजा रहा करता था, लेकिन आज इसकी हालत देखिए। ये देखिए, जानवर यहाँ पर आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, यहीं पर प्राण त्याग देते हैं, उसके बाद निकल नहीं पाते हैं। टूट फूट का अभाव ऐसा है कि अधिकांश खंडर में तब्दील हो चुका है।
लेकिन इसकी जो खूबसूरती है वो आज भी बरकरार है। ये देखिए, खंडर में तब्दील होने के बाद आज भी इसकी खूबसूरती वाकई में अलग ही एक अपना स्थान रखती है। अब हम इसके अंदर जाने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो उस समय तुलसी माता विराजमान थी, लेकिन धन के अभाव में लोगों ने यहाँ पर खुदाई कर दी और आज यहाँ की स्थिति देखिए, चारों तरफ ऐसे लगता है जैसे हम किसी जंगल में पहुँच गए हों। क्या ये जंगल है? ये खूबसूरत इमारतें, इनका क्या दोष है? इनका दोष तो देखिए, बरसों से अपनी खूबसूरती के लिए चिल्ला रही हैं, रहम की भीख मांग रही हैं कि मैं आज भी वाकई में वही खूबसूरती रखती हूँ। इन पेड़ पौधों को पार करते हुए किसी भी तरह हम किले के ऊपर तो पहुंच जाएंगे, लेकिन इसकी जो जंगल है और इसकी जो खूबसूरती है हम वापस नहीं दे सकते। लेकिन हम कोशिश करेंगे और सरकार से अपील भी करेंगे कि इसकी देखरेख की जाए। किस तरह से हम इसके ऊपर आ रहे हैं, अब हम इसके ऊपर आ चुके हैं तो यहाँ पर देखिए, ऊपर आने के बाद इसका क्या नज़ारा है। ये देखिए, एक समय आलीशान ये महल रहा होगा, चारों तरफ राजा रानी और सैनिकों के लिए, दासियों के लिए ये आंगन भरा रहा करता होगा। दोनों टाइम पूजा अर्चना होती रही होगी। यहाँ पर देखिए, ये इसका जो भूभाग है वो टूट चुका है। जानवर ठंड से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, बैठ जाते हैं और उनका गोबर यहाँ पर डला हुआ है। यहाँ का जो और भी कुछ कक्ष थे जो टूट चुके हैं, वर्तमान में स्थिति गंभीर है। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर डिजाइन यहाँ पर अंकित किया गया है और बताया तो यहाँ तक जाता है कि यहाँ पर सोने के सिक्के लगे हुए थे जो कि लोगों ने निकाल लिए। इसमें इतने रहस्य छुपे हुए जो मैं आपको परत दर परत बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हम इसकी ऊंचाई वाली जगह पर चलते हैं जहाँ से हम इसको बखूबी कवर कर पाएंगे और इसके एक एक दृश्य को दिखा पाएंगे। और मेरा आप सब साथियों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसमें एक एक रहस्य को हम बताएंगे। पहले ये देखिए, आज जानवरों के गोबर से इन महलों को लगभग पूरा भर दिया है। एक समय इन महलों में खजाना हुआ करता था, लेकिन आज है तो सिर्फ यहाँ पर जानवरों का गोबर। गेट यहाँ पर लगा रहते थे लेकिन टूट चुके हैं। चारों तरफ इसी तरह के कमरे बने हुए हैं। अब हम इसके ऊपर चलते हैं। ये देखिए, ये देखिए, अब हम इसके छत पर आ चुके हैं। लगभग इससे भी ऊंचा एक छत है, लेकिन उसके लिए हमें वहां से जाना पड़ेगा जिस पर हम जाने की कोशिश करेंगे। यहां से देखिए इसका सुंदर दृश्य। अगर आज इसमें जंगल ना होता, इसमें टूट फूट ना हुई होती, इसका देखरेख होता तो क्या सुंदर दृश्य दिखता। दरअसल जब पृथ्वीराज चौहान की सेना इस किले को चारों तरफ से घेर लेती है, 9 लाख सेना यहाँ पर आ जाती है, तब जो रानी थी, रानी का कक्ष दरअसल ये था। रानी यहीं से देखती है तो रानी के होश उड़ जाते हैं। रानी सोचने लगती है कि अब क्या होगा। मलखान सिंह थे, वो अपने कक्ष में सोए हुए थे। यहीं से रानी देख लेती है और वहां पर जो आपको वीरान जंगल दिखाई दे रहा है, वहीं पर भयंकर युद्ध का शंखनाद हुआ था। लाखों लाशें बिछ गई थी, खून की नदियां बह गई थी। ये जो नदी है ये इस किले को एक सुरक्षा प्रदान करती थी। लगभग यहाँ पर इस नदी को कई बार पकड़ करने के बाद भी कोई इस पर आक्रमण नहीं कर पाता था। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है तो इस वजह से ये चारों तरफ से बहुत ही सुरक्षित है। सिर्फ इसका एक ही रास्ता है
जो कि जलमार्ग से होकर आता है, लेकिन वक्त का अभाव है, कैसे भी करके पृथ्वीराज चौहान ने इस पर हमला कर दिया और इसको लहूलुहान कर दिया। और देखिए ये जंगल तो आप देख ही रहे होंगे, अगर इसको सुरक्षा दी जाए तो आज भी ये अपनी यादें बरकरार रखता है। हम इसके सबसे ऊपर वाले कक्ष पर भी चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं ये महल। ये महल आप गौर से देखिए, इसे बोलते हैं हवा महल, क्योंकि इसमें चारों तरफ से हवा के लिए एक विशेष सुविधा की गई थी। दरअसल उस समय कूलर पंखों का समय नहीं था, तो चारों तरफ से छोटे छोटे दरवाजे बनाए गए थे, तीन इस तरफ ताकि चारों तरफ से हवा आए, इसीलिए इसे हवा महल कहा गया है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, शराब पीते हैं और यहीं पर बोतलें फोड़ जाते हैं। ये देखिए किस तरह का यहाँ पर आज दृश्य है, ये किलों की दुर्दशा, ये हालत देखकर हमें भी रोना आता है। ऐसा नहीं है कि इनको देखरेख का अभाव है, सरकार कोशिश भी करती है, लेकिन कुछ कोशिश आम नागरिकों को भी करनी पड़ती है। ये देखिए यहाँ से हमने इस किले को पूरा देख लिया कि किस प्रकार से ये एक समय में सुंदर रहा होगा, इसका आंगन दिखाइए। यहाँ पर इसका ये आंगन देखिए, एक समय बहुत ही सुंदर रहा होगा, चारों तरफ काफी कमरे रहे होंगे और किस तरह की यहाँ पर सुंदरता रही होगी, बनावट रही होगी, कितने रानियां रही होगी और कितने लोग राजा घराने के यहाँ पर रहे होंगे। इस तरफ देखिए तो काफी बड़े भूभाग में ये बना हुआ है, तालाब, दूर दूर तक पहाड़ियां, ऐसा लगता है कि देखते ही रहे। अब बात करते हैं इसके कुछ और रहस्यों की, तो आइए यहां पर आइए। तो दोस्तों पूरे किले की तो आप हालत देख ही चुके हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वर्तमान में जो मलखान सिंह का किला है, इसके बाद तो कई राजाओं ने यहाँ पर राज किया, लेकिन जो यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं तो हमें उनसे जानकारी पता चली कि मलखान सिंह भी इस किले में राज कर चुके हैं। दरअसल कुछ ऐसा था कि जो मलखान सिंह के पिता थे उन्होंने कई किलों पर राज किया और मलखान सिंह ने भी अपनी तलवार की दम पर कई किलों पर राज किया, तो ये किला भी उन किलों में से एक है जिसमें सिरसा के मलखान ने राज किया और भयंकर युद्ध लड़े। ये किला आज भी युद्ध लड़ रहा है अपने संघर्ष से, ये कह रहा है, चीख चीख कर बोल रहा है कि मुझे बचाओ, मैं बरसों की यादें संजोए हुए आज भी जिंदा हूँ। अगर ये दीवारें हमें दिखती हैं तो हमारी जो गुजरी हुई यादें हैं वो हमें याद आ जाती हैं, और वो जो गुजरे हुए दिन हैं, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए मुसीबतें उठाई हैं, जो संघर्ष किया है, उससे हमें एक अभूतपूर्व शक्ति मिलती है। लेकिन आज के समय में इन दीवारों पर, इन पुरानी विरासतों पर किसी का भी ध्यान नहीं है, धीरे धीरे ऐसा ही रहा तो ये हमसे बिछड़ जाएंगी और हमारे पास गुजरे हुए कल की एक भी याद नहीं बचेगी। क्या आप यही चाहते हैं कि गुजरे हुए समय को हम भूलकर एक नई दुनिया में आ जाएं? क्या गुजरे हुए लोगों की संघर्ष की कहानी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें कि आपको इस किले को देखकर कैसा लगा और क्या आप वाकई में इस किले का सुधार चाहते हैं? इस किले में तो अनेकों रहस्य छुपे हुए हैं, फिलहाल बड़ी मुश्किल से हमें किले की जानकारी मिली है, तो हमने आपको इसको बताया है। चारों तरफ उस समय वीरान जंगल हुआ करता था। और इसी किले के लिए मलखान सिंह और पृथ्वीराज का जो पुत्र था पारथ सिंह, घनघोर युद्ध हुआ। पारथ को तो आप जानते ही होंगे, पारथ को कई वरदान प्राप्त थे, उसी तरह घोरी सिंह, चौड़ा, रैया, कई लोगों से युद्ध हुए और आज भी उन युद्धों की यादें इस आसपास के जंगलों में छुपी हुई हैं। कई ऐसे स्थान हैं जहां पर लोग बाग बताते हैं कि यहां पर भयंकर युद्ध हुआ था और ये जो किला है उस युद्ध का जीता जागता गवाह है। दर्शकों आइए हम इसके सबसे ऊंचे कक्ष पर चलते हैं, उसके पहले थोड़े इसकी अंदर की बनावट को और देख लेते हैं जो कमरे देखने लायक है। आइए ये देखिए उस समय की ये बनावट किस तरह से इस शैली को दर्शाया गया है, बखूबी। ऐसी शैली हमने किसी भी किले में नहीं देखी है, बहुत ही अच्छा लगता है उस समय की इस बनावट को देखकर। छोटे छोटे दरवाजे और कई तरह के निर्माण, वाकई में ये किला अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास संजोए हुए है।
इतिहास की यादें हमें पुनर्निर्मित कर देता है। हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या उस समय ऐसी बनावटें हुई होंगी, क्या उस समय हमारे जो पुरखे थे इस तरह के निर्माणों को बनाया करते थे, इस तरह के किलों को बनाने में कितना खर्च हुआ होगा, कितने दिन लगे होंगे, कितना संघर्ष किया होगा। और उससे भी बड़ा संघर्ष तब होता है जब इनकी सुरक्षा की होगी। कई हमारे वीर सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी, कई राजाओं ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, तो कई रानियों ने अपने इज्जत आबरू बचाने के लिए जौहर कर लिया। किस लिए? हमारी आन बान शान के लिए। और आज हम अपनी आन बान शान को यहाँ पर छोड़ रहे हैं। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये देखिए, वीरान पड़ा ये किला। वीरान पड़ा ये किला अपने पुराने दिनों के लिए चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर रहम की दुहाई मांग रहा है कि कोई मुझे बचा लो, मैं गुजरा हुआ कल हूँ, कोई मुझे बचा लो। तो दर्शकों, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी एक आवाज़, मेरी ये पुकार और मेरी ये भावना आप समझ पा रहे हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, ताकि अधिक से अधिक वायरल हो सके और इस किले का सुधार हो सके। फिलहाल सरकार इसके सुधार की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर ये वीडियो अधिक से अधिक वायरल हुआ तो सरकार इस पर जल्दी से जल्दी ध्यान देगी। मैं मिलता हूँ अगली एक और ऐसी ही ऐतिहासिक विरासत पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।